तो गाइज आरती कुछ दिन पहले इंसाफ मांग रही थी, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे, हम आईएएस बन के दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। पर आप सभी को दिखा उसके ब्लॉग में, या फिर छोटू को इंसाफ मिल रहा है, या फिर वो आईएएस की तैयारी कर रही है, या फिर वो इंसाफ दिला रही है। भाई हमें तो कुछ नहीं दिखा, आप सभी को दिखा है तो कमेंट करके जरूर बता देना। इसकी बयान सुनिए। ठीक रहने चाहिए, हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे। प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? उड़ाया खिलाफ हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के देख के लेके रहेंगे। शादी का बात है, खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? देखिए गाइस वीडियो हुआ कि नहीं दिमाग आप सभी का ब्लास्ट। जी हाँ, कहती है ये जो कौन माँ बाप को बताता है जो हम प्यार करते हैं, चल कोई नहीं बताता है ठीक है, पर कौन सी ऐसी लेडीज है, कौन सी ऐसे जेंट्स है, कौन सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो घर पे बुलाती है बॉयफ्रेंड को, उससे बातें तो करती है फोन पे, उसे घर पे बुलाते हैं, घर पे कुछ इस तरीके का सीन हो जाता है जैसे तेरे प्रेमी के साथ हुआ। हमें बताइए गाइस कौन से ऐसे लड़का लड़की है जो घर पे बुलाते हैं? पर ये तो घर पे बुला दी, और घर पे जाहिर सी बात है बुला के इसने जरूर कुछ किया होगा, ऐसी वैसी हरकतें जिससे इसकी प्रेमी को मौत की सजा सुना दी गई, और ये कह रही है हम उसका सपना पूरा करेंगे, हम कहीं शादी नहीं करेंगे। तो भाई साहब अभी जो तू कर रही है, इतना जो गंध मचा रही है YT पे, वो शादी नहीं है तो वो क्या है? उसके जाने के बाद ही तूने जल्दी से शादी कर ली, तू शादी बिगड़ा भी नहीं सकती थी। तो तू मुझे ये बता दे, तू जब कह रही थी मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं उसके सपने के सहारे जी लूंगी, तो तू क्यों नहीं अपनी बात पर खड़ी उतरी? तूने तो शादी करके अच्छा घर बसा लिया, और साथ में अपने जेठ जी से, जो कि रिश्ते में चल तू मन्नू से बातें करती थी, प्रेमी करती थी, अरे प्रेम तेरा सच्चा था, तू ये भी कह रही है, तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है जो वो तो तेरा जेठ ही हुआ रिश्ते में, और तूने उसके खुद के भाई के साथ शादी करके अभी तू आराम से आया मौज की जिंदगी जी रही है, अब तुझे इंसाफगिरी नहीं दिख रहा है? अब तू पढ़ाई लिखाई करके और अच्छा करके दिखाती, छोटू को इंसाफ दिलाती, तू ये सब करती और कुछ अपनी जॉब में जिंदगी में तरक्की करती तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता, पर तूने दिन दहाड़े सारे ऑडियंस को चूतियागिरी दिखा दी, और तू दोनों मिलके मुजरा कर रहे हो अभी YT पे, इस तरीके के ये गंदगी फैला दिया ना लड़की। गाइस सही में इसकी सबसे जो कहते हैं ना हटके, सबसे हटके इसने कारनामा किया है, और अभी इसको अपनी माँ बाप जेल से आए हैं तो इसको खुश होना चाहिए। ये बंदी रोध होके दुखी बना के दिखा रही है, जो कि ये वही आती है जो कुछ दिन पहले ही कह रही थी जो हम इंसाफ दिलाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी क्यों करी तू? तू पढ़ लिख के कुछ बन जाती, देश के लिए अच्छा करती, जो हाँ लगता सबको प्राउड फील होता तेरे ऊपर, जो हाँ आरती पढ़ लिख के कुछ बनी है, पर आरती ने इतना चूतियागिरी करके दिखा दिया है जो पूछो मत। जैसे कि आप सभी को पता होगा उन दिनों बहुत ही फोटो एडिट करके आरती के कोई बता रहा था जो आरती ने शादी कर लिया, कोई कह रहा आरती मर गई, इस तरीके की थंबनेल टाइटल बहुत यूज हो रहा था, और इस बंदी ने कहा मीडिया वाले ने झूठी शादी की अफवाह क्यों फैलाई? तो मुझे ये बता, मीडिया वाले ने तो फिर भी झूठा दिखाया था, पर तूने तो उस बात को सच करके दिखा दिया ऑडियंस को, तूने तो सच में ही शादी कर ली। अब तू ये बता, तूने शादी ब्याह सब कुछ कर ली, तू अपनी जिंदगी में खुश रह, पर चैन से अपने माँ बाप को भी तो जीने दे। तू चाहती है जो बुढ़ापे में वो लोग मर जाए जेल के चक्कर काटते काटते, अभी भी तेरे अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं है क्या? तुझे उनकी भी बददुआ लगेगी आरती, मैं तो तुझे ये कह रही हूँ, समझ गई ना? तेरे जैसी लड़की जो इतना भौंकने के बावजूद भी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो लाइफ में तभी आगे वो बढ़ती जब पढ़ लिख के कुछ बन जाती, ना कि शादी करके ना अपना गृहस्थी बचाती और उस घर में आग लगाती तेरे जैसे, ठीक है ना? तो गाइज अगर आप लोग इस बात से अगर सहमत हो ना तो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना।